गोपियाँ घंटों तक मक्खन को सामने रख करके भगवान का आवाहन करती हैं। भक्तों के भगवान स्वतंत्र भगवान नहीं होते, भक्त जैसा संकल्प कर लेता है भगवान वैसा ही करते। एक दिन एकांत में यमुना के तट पर कन्हैया ने सभी ग्वाल वालों को बुलाया, बलराम जी को नहीं बुलाया। बलराम जी बड़े थे, बलराम जी से भगवान को संकोच लगता था। ग्वाल वालों को बुलाया, बिठाया, चुपचाप मक्खन छिपा करके रखा था, निकाला, सभी के हाथ में थोड़ा थोड़ा मक्खन दे दिया, कहने लगे खा जाओ। ग्वाल बाल मक्खन खा गए। कन्हैया ने कहा, ये बताओ इतना स्वादिष्ट मक्खन आज के पहले तुम्हारे बाप दादों ने भी कभी खाया? ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हुआ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बड़ा स्वादिष्ट मक्खन है, लेकिन ये तो बताओ इतना स्वादिष्ट मक्खन तुम्हें मिला कहाँ से? कन्हैया ने कहा, तुम नहीं जानते हो ये चोरी का मक्खन है, चोरी का मक्खन बड़ा स्वादिष्ट होता है। आज से तुम में से प्रत्येक के घर में हम मक्खन की चोरी करेंगे, और देखो अपने अपने घर का रहस्य बतलाना, किस समय तुम्हारा घर खाली होता है, तुम्हारी मैया घर से बाहर कब जाती है, और तुम में से किसी के घर में अगर माखन की चोरी करते हुए हम पकड़े गए तो हमारा पक्ष लेना, घर वालों का पक्ष नहीं लेना, नहीं तो कान पकड़ करके माखन चोर समिति से निकाल बाहर करेंगे। बाल बाल बच्चों को क्या, जो खिलाए उसी के हो जाते हैं। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हुआ भैया हम अपने घर का पूरा रहस्य बतलाएंगे और पकड़े जाने पर तेरा ही पक्ष लेंगे। माखन चोर समिति का निर्माण हुआ, भगवान श्री कृष्ण उसके अध्यक्ष बने, घर घर माखन की चोरी करने लगे। एक बड़ी भावमयी गोपी थी। देखिए प्रेम का संबंध शरीर से नहीं होता, वो तो हृदय से होता है। बड़ी भावमयी गोपी थी, नित्य प्रति दही का मंथन करके मक्खन को रख करके सामने घंटों तक भगवान का आवाहन करती थी। भगवान ने सोचा इसके घर से ही श्री गणेश करना चाहिए। उसकी गौशाला में गए, उसके सारे बछड़े खोल दिए और दौड़ते दौड़ते उसके घर में पहुंच करके कहने लगे, भाभी तेरी खिरक के सारे बछड़े किसी ने खोल दिए, मैं अकेला बांधने लगा, लेकिन इतने बछड़े भला मुझसे कैसे रुक पाते? उसने कहा, मेरे घर की रखवाली करना, कोई कुत्ता बिल्ली ना आने पाए, मैं जा करके बछड़ों को बांध करके आती हूँ। कन्हैया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल निश्चिंत हो करके जा, एक भी कुत्ता बिल्ली नहीं आ पाएगा। वो तो गई बछड़ों को बांधने के लिए, और कन्हैया ने ताली बजाई तो लटक हुआ मटक हुआ सटक हुआ रेंदा पेंदा सेंदा जितने ग्वाल बाल थे सब ने आक्रमण कर दिया। दूध दही मक्खन के पात्र खाली होने लगे। भगवान बड़े प्रेम से मक्खन को बांट रहे हैं, स्वयं भी खा रहे हैं और पात्रों को जमीन पर पटक करके फट करके फोड़ रहे हैं। तब तक सामने से गोपी आती हुई दिखाई पड़ गई। कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा, भाग जाओ नहीं तो पकड़े जाओगे, सब भाग खड़े हो, अकेले भगवान वहां पर रहे। गोपी ने आकर के उलाहना दिया, ये तूने क्या किया, मेरा पूरा घर चौपट करवा दिया, इन ग्वाल वालों को मेरे घर में क्यों बुलाया? कन्हैया ने कहा, मैंने कहां बुलाया, मैं अकेला इतने ग्वाल बालों को भला कैसे मैं रोक पाता? उसने कहा, नहीं नहीं मैं देख रही थी तू स्वयं मक्खन खा रहा था, तेरे मुख में मक्खन लगा है, ग्वाल बालों को मक्खन बांट रहा था। कन्हैया ने कहा, भाभी तुझे कैसे समझाऊं, बात ये थी एक गोपाल तेरे मक्खन को लेकर के भागने वाला था, मैंने उसे उठा करके एक पटकना दिया, वो भी संभल करके उठा, मुझे पकड़ करके एक पटकना लगाया, मेरा मुख मक्खन के ऊपर पड़ गया होगा इसलिए मेरे मुख में मक्खन लग गया होगा। उपकार करते अपकार होता है, हवन करते हाथ जलते हैं, मैंने तेरे घर की रखवाली किया, तूने कहा था कोई कुत्ता बिल्ली ना आने पाए, सो तो मैंने एक भी नहीं आने दिया, उल्टे मुझे चोर बता रही है, आज के बाद तेरे घर में अब मैं कभी नहीं आऊँ। कह करके भगवान वहाँ से प्रस्थान कर गए, लेकिन गोपी की बहुत दिन की जो कामना थी वो पूर्ण हुई, अपने घर में भगवान की लीला का दर्शन करके वो धन्य हो गए। इस प्रकार भगवान घर घर में माखन की चोरी करने लगे। गोपियां कहने लगी, ऐसे बात नहीं बनेगी, चल करके यशोदा मैया के पास इनकी शिकायत करें, इनकी पिटाई हो तब आनंद आए। झुंड के झुंड गोपिकाएं यशोदा मैया के पास चल करके गईं, कहने लगी, मैया हम तुम्हारे ब्रज में नहीं रहने वाले, कन्हैया हमारे घर में माखन की चोरी करता है,